छत्तीसगढ़ के कई जिलों में समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में गरियाबंद के उपार्जन केंद्र में धान बेचने के लिए किसान सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंचते दिखाई दिए। इसे देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए केंद्रों का दौरा किया। खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उधर कुछ केंद्रों में मजदूरों की नाराजगी भी देखने को मिली। इस पर संज्ञान लेते हुए मजदूरों को समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया गया। जगह पे हम एसपी साहब के साथ सीओ साहब और सभी हमारे जिले के जो आला अधिकारी धान खरीदी के वो इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, वैसे ही अन्य दो तीन टीम भी घूम रही है। पूरे सभी समिति स्तर पे हमने नोडल अधिकारी भी बना दिए हैं, वो भी पूरे ध्यान रख रहे हैं। इसमें जिले में आज अनुमानित पूरे दिन भर में 5000 मीट्रिक टन की पूरी खरीदी होने की संभावना है। पूरे धान खरीदी में लगभग 3 लाख मीट्रिक टन 30 लाख क्विंटल की धान खरीदी अनुमानित है। प्रयास रहेगा कि सभी जो किसान हैं उनका बहुत अच्छे से धान खरीदी हो, उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो। महिला अपराध और मानव तस्करी को लेकर महिला आयोग की अध्यक्ष किरण